क्या हाल है बालको। अगर आप क्लैट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और क्लैट की प्रिपरेशन में आप सबसे पहले ये देखना चाहते हैं कि यार इंडिया के बेस्ट कॉलेज कौन से हैं। कहने की अगर मुझे पता हो कि मुझे आगरा जाना है, आगरा में ताजमहल जाना है, तो मैं कन्याकुमारी से भी घूम के चला जाऊंगा, पता होना चाहिए। उसी तरीके से आपको क्लैट क्रैक करना है, आपको एक बेहतरीन लॉ कॉलेज में जाना है, तो जब बेहतरीन लॉ कॉलेज में जाना है, बेसिकली इसको लॉ स्कूल बोलते हैं, तो जब आपको लॉ स्कूल में जाना है तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, कौन कौन से टॉप मोस्ट कॉलेजेस हैं, टॉप मोस्ट स्कूल हैं जो आपको लॉ पढ़ाने वाले हैं, तो आइए इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हम भैया क्या क्या ऐसी कॉलेजेस हैं जिससे आप क्रैक कर लो यार, वहां पहुंच जाओ और क्या ही चाहिए। तो आइए, लेकिन उससे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, तो मेरा नाम राहुल द्विवेदी है, मुझे आप लोग द इंग्लिश गुरुजी कहते हो। मैंने एमए बीए बीए कर रखा है फ्रॉम हिंदू कॉलेज यूनिवर्सिटी। मैं एक ऑथर हूं, यूट्यूबर हूं, करियर काउंसलर हूं, मोटिवेशनल स्पीकर हूं, और बस मैं हमेशा एक बार बोलता हूं, मैं टीचर बाय हार्ट एंड टीचिंग विद लॉट्स ऑफ लव। तो आइए इन्हीं लव के साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कॉलेज नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। भैया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी अपने आप में आप सभी ने सुना होगा, अगर आप लॉ के स्टूडेंट्स हैं और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के बारे में नहीं सुना तो कैसे सुने। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बहुत सारे हैं, लेकिन तीन सबसे फेमस है। सबसे पहले नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी भोपाल, दूसरा नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली, दिल्ली में ही, यहाँ पे इवन मैं कई बार गया भी हूँ, और तीसरा आपका दलसा। ये आज के टाइम पे नंबर वन चल रहा है, हर एक लॉ स्टूडेंट के का सपना होता है कि वे नलसार में, हर एक स्टूडेंट का, लॉ स्टूडेंट का सपना होता है। मतलब यहाँ से निकलने के बाद आप तो भैया सीधा सीधा गूगल में लग रहे होंगे, कहीं बहुत बहुत ही खतरनाक जॉब होगी आपकी इसके बाद तो, ठीक है। खैर एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी भोपाल, इसकी जो फीस है वो मात्र 10,000 रुपये। ये एडमिशन फीस है, ओवरऑल होता है ना एडमिशन फीस 10,000 रुपये, लेकिन ट्यूशन फीस पढ़ाने के फीस ये जो है ऑलमोस्ट 1,41,000 है। तो ओवरऑल अगर मैं सारी चीज़ें बता दूं, लाइब्रेरी का लेके हर एक चीज़ का लेके, तो 2 से 2.5 लाख रुपये लगते हैं आपका नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी भोपाल में एडमिशन कराने के लिए। लेकिन अगर आप इस कॉलेज में पहुंच गए तो भैया आप कुछ और बन के निकलेंगे। तो मेरे लिए पहला सजेशन ये है कि भैया भोपाल वाले में जाओ, बेहतरीन है। इसके बाद आपका आता है दिल्ली। दिल्ली मैंने आपको बताया कि यहाँ तो मैं कई बार जा चुका हूँ, ठीक है जी। और ये जो है इसका भी सेम प्राइस है, वही 2 से 2.5 लाख रुपए, सेम प्रोसेस, ठीक है। जो भोपाल का था वो दिल्ली का है, बस ये कि ब्रांच अलग है, बाकी सब कॉमन है। और मैंने आपको बताया नलसार तो भैया इंडिया का नंबर वन फर्स्ट रैंक पोजिशन है इसकी, यहाँ जाना हर बच्चे का सपना होता है, इसको क्रैक करना। मुझे पता है आप लोग अगर क्लैट की वीडियोज देख रहे हो तो आप लोगों का भी सपना होगा कि नलसार क्रैक कर लिया जाए, ठीक है। इस पर क्रैक करना तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसकी भी फीस वही है ऑलमोस्ट 2 से 2.5 लाख रुपए, और मेरे को लगता है वर्थित है, 2-2.5 लाख रुपए वर्थित है नलसार पहुंचने के लिए, ठीक है। मेन चीज ये ना, मेरा मानना ये है कि आप लोग जो है ना डे वन से प्रैक्टिस करो टॉप मोस्ट कॉलेज का। देखो मैं हिंदू कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, हिंदू कॉलेज DU का नंबर वन कॉलेज है, ठीक है। तो मेरा फर्स्ट डे से टारगेट था कि मुझे यार हिंदू में जाना है, हिंदू में जाना है, हिंदू में जाना है। आप लोगों का भी डे वन से टारगेट होना चाहिए कि आपको नलसार जाना है। उसके लिए आपको जो मर्जी करना पड़े, जहां सेक्रीफाइस करने पड़े, दोस्त छोड़ने पड़े, सोशल मीडिया छोड़ना पड़े, कुछ भी छोड़ना पड़े, छोड़ेंगे पर नलसार लेंगे। ये आपका टारगेट होना चाहिए मेरा लगता है इस साल का, और ये हो जाएगा यार। आप हमारे बैच से जुड़ोगे, आप डेली बेसिस पे पढ़ोगे तो आपका नलसार यूं क्रैक होगा, ठीक है जी। इसके अलावा भैया DU का तो भैया अपने आप में ही एक अलग रुतबा, एक अलग पहचान बनती आ रही है DU में जो है, जिसमें मेरे कई दोस्तों ने भी किया है, दैट इज फैकल्टी ऑफ लॉ, लॉ फैकल्टी। लॉ फैकल्टी आज के टाइम में आपको बताऊं कि 15 जज है ना, ऑलमोस्ट 15 जज जो है, उसमें से बहुत सारे जज जो है इंडियन लॉ फैकल्टी के, इन द सेंस DU के होते हैं। सोचो कितनी बड़ी बात है कि इंडिया में जितने भी चीफ जस्टिस होते हैं उसमें से बहुत सारे जो है चीफ जस्टिस हमारे लॉ फैकल्टी से निकले, इन द सेंस लॉ फैकल्टी की कुछ तो बात है। इवन आज के टाइम पे जो इंटरनेशनल जज है, जो आपका यूनाइटेड नेशन के इंटरनेशनल चीफ जस्टिस है, वो भी हमारे लॉ फैकल्टी के निकले हुए, ये अपने आप में बड़ी बात है। तो लॉ फैकल्टी में जाना, ठीक है, लॉ यूनिवर्सिटी को क्रैक करना हुई DU के, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है, ठीक है जी। और इसकी फीस जो है बाकी और कॉलेजेस से कम है, यहाँ पे फायदे वाली बात है कि DU की फीस हमेशा कम होती है। तो DU एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है लॉ के लिए, इसको क्रैक करना एक बहुत बड़ी बात है। इसके बाद यह आपका मुंबई वाला है, कौन सा, ये GLC, ठीक है, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज। ये इसमें आपको बताया है, ये सारे नाम जो है, अगर आप लोग लॉ के स्टूडेंट्स हैं तो आपने नाम जरूर सुने होंगे, तुषार मेहता, एडवोकेट राम जेटमलानी, ठीक है। तो ये और बहुत सारे लोग हैं,
ये अपने आप में इंडिया के चीफ जस्टिस को, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को, इंडिया के सारे सुप्रीमेसी लॉ को जो है हैंडल करते हैं, ये सब यहीं से निकले हैं भाई। तो कहने का मतलब ये है कि यहां तक पहुंच गए तो ये एक एस्केलेटर है कि यहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। यहां पहुंच गए तो अपने आप ही आपको मंजिल तक पहुंचा देंगे। यहां पहुंचने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, यहां पहुंचने के लिए आपको क्रैक बहुत ही अच्छे तरीके से क्रैक कराना पड़ेगा, ठीक है जी। इसके अलावा आपको क्या क्या कोर्स ऑफर्स करता है आप लोगों को पता है, इसका स्क्रीनशॉट लेना, इवन मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ इसका स्क्रीनशॉट लेने के लिए, ठीक है। इवन इसकी जीएलसी की वेबसाइट पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, इन सब की स्पेसिफिक वेबसाइट जो है ना उन सब पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। मेरा मानना यह है कि जहां जाना है उसके बारे में एक बार प्रॉपर वे में सो कॉल्ड प्रैक्टिस या उसके बारे में लर्न कर लेना, नॉलेज लेना कि यार क्या है, कैसे है, कैसे जाऊँ, क्या करूँ, क्या ना करूँ, तो सब कुछ एक बार आप खुद देख लीजिएगा। ये तो एक ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं। इसके बाद आपका आता है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ठीक है, क्योंकि मैं यूपी से बिलोंग करता हूं तो बीएचयू में कम से कम 2-3 बार गया हूं, मतलब क्या यूनिवर्सिटी है यार। अगर आपको माटी से जुड़े रहना है और माटी से जुड़े रहने के साथ साथ आपको बेहतरीन नॉलेज लेनी है तो भैया बीएचयू आपके लिए बना है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आपको जो है बहुत कुछ बनाती है, सबसे पहले तो एक अच्छा इंसान बनाती है, और मतलब मेरा मानना ये है कि ये तो जन्नत है, ठीक है। ये बीएचयू तो हर किसी बच्चे के लिए जन्नत है, ठीक है। तो मतलब मेरे को अगर दोबारा ग्रेजुएशन करने का मौका मिले और मेरे को मौका मिले कि डीयू में जाऊं या बीएचयू में जाऊं तो मैं एक बार बीएचयू को टेस्ट लेना चाहूंगा। क्या जगह है यार, यहाँ तो मतलब गाने बनते हैं उसके ऊपर भाई, ठीक है। तो बीएचयू में जो है अलग ही लेवल का लॉ होता है और यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। यहाँ की फीस भी बहुत जो है कम है इन कम्पेयर टू आपके लॉ इंस्टीट्यूट जो है नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट के मुकाबले इनकी फीस थोड़ी कम है डीयू की और इसकी, ठीक है। तो ये हम जैसे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे या थोड़ा सा मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास स्टूडेंट्स होते हैं वो इनके लिए है। और ये नो डाउट प्राइस के मामले में कम है लेकिन जो आपका लेवल है उसके मामले में बिल्कुल कम नहीं है, एजुकेशन लेवल टॉप मोस्ट है, तो आप यहाँ जा सकते हैं। और बस भाई बस, जी हाँ बस, ये है क्रैक करो, और क्रैक करने के लिए हम आपके सामने लाए हैं ये क्या भैया क्लैट एश्योर। हम लोग जो है क्लैट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से ए से लेके जेड तक, जीरो से लेके इन्फिनिटी तक की हम आपकी प्रैक्टिस कराएंगे। और आपको बस सब्सक्राइब करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और कोड कौन सा लगाओगे आप, कोड लगाओगे 100 में 100 RD100, जी हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, RD100 आप कोड लगाइए और आपको जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से मिल जाएगा। और इवन हम लोगों का जो है मॉक टेस्ट, अगर आप ऑलरेडी क्लैट की प्रिपरेशन कर चुके हो और आपको टेस्ट देना है तो भैया ये आपके लिए हमारा क्लैट का मॉक टेस्ट है, किक स्टार्ट योर क्लैट प्रिपरेशन विद अनअकैडमी। 10 सिलेक्टेड मॉक पेपर है, फुल लेंथ मॉक पेपर है, ठीक है। और आप जो इवन ये मेन चीज क्या है कि आप अपने डोर स्टेप इन द सेंस हार्ड कॉपी भी मंगा सकते हो, सब क्या बात होगी भैया। आप जो है 12 महीने का हमारा आइकॉनिक प्लस लीजिए और बस आज ही सब्सक्राइब कीजिएगा। और कोड कौन सा लगाना है इसके लिए, डिस्काउंट के लिए, इट इज 100 में 100 RD100, दैट इज RD इन द सेंस राहुल द्विवेदी RD और 100, ठीक है, RD100 लगाइएगा। और भैया ये जो है टेस्ट सीरीज के कैलेंडर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो भैया, ये आपको बताने वाला है कि टेस्ट कब कब है। तो जो डेट बची हुई है आपके सामने उनका स्क्रीनशॉट लेके टेस्ट दे दो भैया। इसका भी नीचे जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में एनरोल कर लीजिएगा इस टेस्ट के लिए और टेस्ट आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मजेदार टेस्ट है। और बस हमारे प्लस कोर्स से जुड़िए, हमारी बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, एस बैच हो, वॉरियर बैच हो, कोई सा भी बैच हो, जुड़िए क्योंकि ये आपको क्लैट का एक बहुत ही बेहतरीन किक स्टार्ट देने वाला है अपकमिंग एग्जाम के लिए। और थैंक यू सो मच, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए अच्छे अच्छे काम करो, माँ बाप का प्रणाम करो, टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर माता पिता और भारत माता। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर, बाय।